पैसा बनाती हूँ। कोई हमें कमेंट बॉक्स में बोल के जाता है आई लव योर साइनी एंड सिल्की, उसको बहुत बहुत थैंक यू। पर भाई बालों से ही करना, हमारे से मत करना। और अपने बालों से तो प्यार मुझे भी है, पर कमेंट में कोई ये बोल के मत जाना कि कटिंग दिखाओ बालों की। भाई कटिंग ना दिखाऊंगी किसी को भी। हाँ बाल धो लिए और ड्राई भी हो चुके हैं, थोड़े बहुत ही बाकी हैं, हल्का ही, बिल्कुल बिल्कुल हल्के ही बाकी हैं। ये देखिए ज़्यादा गीले नहीं है। पहले बाल धो लो, शैम्पू कर लो, उसके बाद अच्छे से सिर पे टावल लपेट लो बालों में, और आधा घंटा बहुत है, आधे घंटे बाद टावल हटा दो और अच्छे से बालों को कंघी कर लो। ये देखिए भाई हमारी तो यही रेडी नहीं है, और हम कुछ ना लगाते, शैम्पू यूज़ करते हैं, हेड एंड शोल्डर, तेल कोई भी हो सब चलता है। ये नहीं कि इम्पोर्टेंट ये है कि एक ही तेल लगाना है, ज़्यादातर घर में रहता है जैस्मिन का कोकोनट ऑयल, उसके अलावा कुछ नहीं। बालों को प्यार से कंघी करो, गुस्से में नहीं कि बाल अलग रहे हैं तो उनको खींच खींच के तब कंघी करें। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन हम अपने बाल धोएं उसी दिन हेयर ऑयलिंग भी करें। वैसे मैं ज़्यादातर हेयर ऑयलिंग बाल धोने से एक दो दिन पहले करती हूँ, फिर बाल धोती हूँ। ये नहीं कि बाल धो लिए और उसी दिन हेयर ऑयलिंग कर ली, मैं नहीं करती, ना मुझे सूट करती है ना मुझे पसंद है इतने दिन पहले हेयर ऑयलिंग करना। तो ये देखिए हमारे बाल बिल्कुल अच्छे से सुलझ गए हैं, कहीं से भी अलझे हुए नहीं हैं, और कंघी भी अच्छे से हो चुकी है, लेकिन नो हेयर ऑयलिंग। अभी हल्के हल्के गीले हैं तो वैसे भी मैं हेयर तेल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बाल अभी गीले भी हैं, अच्छे से नहीं सूखे हैं। देखो भी दिख गए कितने लंबे हैं हमारे बाल, ज्यादा नहीं है इतने हैं बस। और ये भी कटा लिए वरना और थे नीचे, इतने इतने हमने कटा लिए।
इससे ज़्यादा हम नहीं कटाएंगे, जितने कटा लिए उतने बता दिए और नहीं कटाने। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए अब हम कर लेते हैं वीडियो का एंड, और अपने बालों को पहले अच्छे से सुखाना। ये नहीं बाल धोए, कंघी कर ली और बालों को लपेट लिया, उससे क्या होता है हमारे जो बाल हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो गीले रहते हैं और सारे दिन ऐसे ही वो फोल्ड हुए रहेंगे, तो सिर में भी थोड़ी स्मेल हो जाती है, बदबू हो जाती है बालों में। तो इससे अच्छा कि हम पहले बालों को धोने के बाद अच्छे से कंघी करके और उनको ड्राई करें। ये देखिए, आई लव माई शाइनी एंड सिल्की हेयर, जिसको जिसको पसंद है उसके लिए भी और हमें भी पसंद है अपने बाल। अरे भाई, अपने बाल सबको पसंद होता है, कौन कटाने के लिए भागता है? जो फैशन में चूर रहते हैं ना वो कटाते कटाते और कटिंग कराने से तो ये है, थोड़े नीचे से अगर बाल दो मुए वगैरह हो जाए तो नीचे से थोड़ी थोड़ी कटिंग करा लो, ये नहीं के सारे ही उड़वा दो, हमें ना उड़वाने, हमारे जैसे हैं हमें वैसे ही पसंद है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं वीडियो का एंड। ओके, बाय, टेक केयर।